मारुति सुजुकी अपनी ब्रेजा को इंडिया में सीएनजी के साथ में इंट्रोड्यूस करने वाली है और वो लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। और ये तो शायद अभी आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि सीएनजी को आना ही है बिफोर 2023 के फरवरी के पहले। तो एग्जैक्ट लॉन्च डेट क्या होगी वो हमने आपको ऑलरेडी इस वाले वीडियो के अंदर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर बता दिया, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन जो लोगों को कंसीडर करनी थी ब्रेजा सीएनजी, उन लोगों का काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि क्या हमें रुकना चाहिए ब्रेजा के लिए या फिर अभी वाली जो पेट्रोल आ रही है वही लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, ये इस वीडियो के अंदर आपको तीन ऐसे रीजंस हम आपको बताने वाले हैं जिनके चलते आपको रुकना चाहिए ब्रेजा सीएनजी के लिए। तो इससे आपका जो भी डिसीजन होगा, बायर्स डिसीजन जो होगा वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देख सकते हैं। इससे आपका कोई भी अगर वीडियो देखने के बाद कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ब्रेजा सीएनजी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर तीन ऐसे कौन से रीज़न है कि हमें वेट करना चाहिए अगर ब्रेजा को कंसीडर कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के कुल टोटल तीन पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और वो तीनों पॉइंट जो कि होगे वो कवर करेंगे कि आपको कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए, तो आपका कन्फ्यूजन वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और जो भी लोग बोल रहे थे कि ब्रेजा सीएनजी नहीं आ रही है तो आप आई होप आप सब ने भी देखा होगा, क्योंकि कई दिन पहले तो कुछ दिन पहले मीडिया वाले भी चला रहे थे अपनी चैनल्स के ऊपर कि मारुति इज़ ऑल सेट टू लॉन्च इट्स ब्रेजा सीएनजी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हम रखने वाले हैं माइलेज। मारुति सुजुकी की बात करें तो इन लोगों की जितनी भी गाड़ी आप देख लो उठा के, वैगनार से लेके या फिर बात कर लो ऑल्टो 800 से लेके जितनी भी सेलेरियो, स्विफ्ट डिज़ायर, उसके वहाँ तक की जो भी गाड़ियाँ हैं वो सारी आपको माइलेज में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ब्रेजा की बात करें तो ये भी पुरानी वाली जो डीजल और पेट्रोल दोनों के साथ में आती थी उसके भी अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता था। जो पेट्रोल आ रही है यहाँ पे अभी जो फेसलिफ्ट के साथ में आई है वहाँ पे मैनुअल में तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टॉर्क कन्वर्टर दे रखा है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, वहाँ पे कई लोगों की ये प्रॉब्लम्स है या फिर कंप्लेंट्स है कि गाड़ी कहीं ना कहीं जो मारुति का टिपिकल जो DNA रहता है कि वो लोग इतनी माइलेज तो प्रोवाइड करती है उनकी गाड़ियाँ, 19 से ऊपर की KMPL की माइलेज वो लोग निकाल के देते हैं सभी मारुति की कार्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेजा के साथ ऑटोमेटिक में ये नहीं है। तो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या CNG के आने के बाद ये सारे वैसे के वैसा ही रहेगा या फिर कोई भी माइलेज में इम्प्रूवमेंट्स आएगा। तो अब माइलेज में तो इम्प्रूवमेंट्स आना ही है, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर होने वाला है वो CNG के साथ में नहीं आने वाला, प्लस CNG होगी तो वैसे ही माइलेज आपका बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, और मैनुअल के साथ में आने वाली है 5 स्पीड के मैनुअल के साथ में आएगी। तो इस वजह से आपको माइलेज जो टिपिकल जो मारुति का गाड़ियों के साथ में आपको मिलता है वो ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि अगर आप CNG ले रहे हो तो फिर उसमें टॉर्क कन्वर्टर आएगा, तो फिर वो CNG और टॉर्क कन्वर्टर में कोई कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वो आपको बिगाड़ देगा, मतलब कि पावर और टॉर्क रेशियो, बॉडी विच टू वेट रेशियो, सब कुछ आपका चैस नैस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ना तो पावर मिलेगा और ना ही टॉर्क मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से शायद मारुति टॉर्क कन्वर्टर नहीं देने वाली गाड़ी के अंदर, लेकिन अगर दे भी देती है तो फिर वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो लोग पावर और टॉर्क वगैरह को ट्विक करते हैं, क्योंकि ट्विकिंग तो करनी ही पड़ेगी, वैसे तो उतना पावर गाड़ी जनरेट नहीं कर पाएगी CNG के अंदर, प्लस 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली होने वाली है। उसके अलावा मारुति अपना डीजल इंजन भी प्रोड्यूस कर रही है, काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन 2023 के मिड तक, मतलब कि जून या फिर जुलाई तक उन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम डीजल इंजन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इनसाइट्स अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, तो वो है पावर। अब ब्रेजा 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आ रहा है उसके साथ में पावर तो आपको ठीक ठाक मिल रही है, फिर वो मैनुअल हो या फिर टॉर्क कन्वर्टर, और टॉर्क कन्वर्टर को अच्छे से इन लोगों ने कंबाइन मतलब कि ट्विक्स किए, और इसी वजह से आपको पावर अच्छी खासी मिल रही है 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर के अंदर, और इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। लेकिन पावर की बात करें तो जब ये गाड़ी 1.3 लीटर के डीजल के साथ में आती थी तब उसके जाने के बाद जो भी डीजल जो डिसकंटिन्यू हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने बोला ज़रूर है कि मारुति में डीजल ना होने की वजह से कई सारे सेल्स की कटौती उन लोगों को झेलनी पड़ी है। लेकिन 1.5 लीटर का जो कापा का ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वहाँ पे आपको कोई भी एंगल पे मतलब कि अच्छे खासे रेव्स के ऊपर वो आपको पावर की डिलीवरी देता है। टॉर्क, इनिशियल टॉर्क आपको उतना ज़्यादा जर्की आपको फील नहीं होता है, लेकिन जब भी ये 1.2 या फिर
1200 RPM के बाद से ये RPM लेना स्टार्ट करता है, तो ये 6000 तक ये RPM पकड़ के रखता है। तो इस वजह से आपको कोई भी पावर बैंड फील या फिर पावर लैगिंग जैसी फील आपको इस गाड़ी के साथ में नहीं आती, और ये प्लस पॉइंट है इसी पेट्रोल इंजन का। लेकिन अब ये CNG के साथ में जब आएगी तो पावर की लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चंस है, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ जो इनबिल्ट CNG आने वाला है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आफ्टर मार्केट CNG से। तो मारुति खुद ये सोचेंगे कि भैया ऐसी तरह से हमें कोई भी ट्विक्स करने पड़ेंगे जिससे जो पावर ऑलरेडी हम दे रहे हैं 1.5 के कापा के साथ में वो कहीं ना कहीं उसको डाउनग्रेड ना मिले। तो ये पूरी उन लोगों की भी कोशिश रहेगी कि CNG के साथ में वो लोग अच्छा खासा पावर और टॉर्क की डिलीवरी आपको दे पाए। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, बाकी गाड़ी जब भी आएगी उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव ले पाएंगे और तब भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एरियाज़ के ऊपर गाड़ी मैच कर रही है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क। क्योंकि 1.5 कापा पेट्रोल है तो कहीं ना कहीं आप ये तो सोच ही सकते हो कि पावर में आपको लैग तो नहीं देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी चला रखी है मारुति अर्टिगा वगैरह में लोगों ने जो भी आफ्टर मार्केट CNG करवा रखे थे वहाँ पर भी गाड़ी बिल्कुल भी लैग नहीं कर रही थी, और वो भी 1.5 लीटर का कापा पेट्रोल था। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है पावर के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है मेंटेनेंस। मारुति सुजुकी का मेंटेनेंस जो भी आ रहा था, फॉर एग्जांपल अगर बात करें डीजल इंजन की, जो 1.3 लीटर का डीजल था वो कहीं ना कहीं अगर आप 10,000 किलोमीटर पे उसकी सर्विस कराते थे तो वो आपको मेंटेनेंस देता था 6,000 या फिर 6,500 तक की मेंटेनेंस के साथ में वो आता था। लेकिन जो मारुति की CNG की इनबिल्ट जो गाड़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स हमें भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप अपने लोगों से पूछो कि अगर उनके पास इनबिल्ट CNG वाली, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग CNG वाली मारुति कार है, तो वहाँ पे उन लोगों को मेंटेनेंस कितनी आ रही है। क्योंकि कई लोगों ने तो ऐसा बोला था कि हमें तो 5,000 या फिर 6,000 तक पार्ट्स कुछ चेंज करने पड़ गए थे और मेंटेनेंस भी 10,000 की सर्विस का ज़्यादा आ रहा था। तो ये हो सकता है कि आपके चलाने के ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड्स हो, ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आप CNG डलवाते हो, मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पे भी ये डिपेंड करता है। प्लस मारुति की पार्ट्स की बात करें तो ये CNG के ऊपर कितने वेयर एंड टेयर पार्ट्स जो है वो राउज होते हैं और उन लोगों को चेंज करना ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स। और यही अगर आप चेंज करते रहते हो तभी गाड़ी हेल्दी रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी CNG है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है इन कंपेयर टू द पेट्रोल और डीजल। वहाँ पे पेट्रोल और डीजल थोड़े से प्लस एडवांटेज में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको इतने वेयर एंड टेयर पार्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पे जो CNG वाली होती है वहाँ पे आपको थोड़े बहुत इन सब चीज़ों के अंदर ध्यान देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम जो है वो CNG के अंदर ओवरऑल ऐसे आते ही रहेंगे ऐसा नहीं है। CNG ले रहे हो तो फिर उसको आप वैसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो मारुति का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मारुति की गाड़ियों मेंटेनेंस के साथ में अच्छी ही रही और ब्रेजा CNG भी ऐसे ही होने वाली है। तो आई होप ये वीडियो के बाद में आपके क्वेश्चन या फिर डाउट सॉल्व हो चुके होंगे, अगर अभी भी है तो कमेंट सेक्शन आप ही का। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।